लखीमपुर खीरी में हिंसा की आग भड़की और यूपी की राजनीति धू धू कर जलने लगी। इसके बीच हर तरफ से लखीमपुर कूच की तस्वीरें आम हो गईं। किसानों के साथ तमाम राजनीतिक दल खुद को खड़ा दिखाने की चाहत में जुट गए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सुलगा चुकी है इस मुद्दे को। लेकिन देखिए ना, अखिलेश को इसके लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लखनऊ में बंगले के बाहर ही अखिलेश ने इस मुद्दे को साध लिया और दे दिया सियासी संदेश, लखीमपुर की इन लपटों को और दूर तलक ले जाने का संदेश। पुलिस ने अखिलेश के घर के बाहर पहरेदारी बिठाई तो वो धरने पर बैठ गए और पुलिस को आखिरकार उनको हिरासत में लेना पड़ा। धरने पर बैठे अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म हुआ है। सर, आप धरने पर बैठ गए, आपको रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? इतना जुल्म, इतना किसानों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अन्याय उत्पीड़न नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे कर रही है। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है, हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, 1 सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलर शाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का। बीजेपी की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भी मांग कर दी। अखिलेश का घर से बाहर आना और उनकी मोर्चेबंदी से माहौल खूब गर्मा गया। इधर अखिलेश शब्द बाढ़ छोड़ते रहे, उधर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का भी वहां जमावड़ा लगता चला गया। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अखिलेश की इस गांधीगिरी पर सवाल उठाने का मौका भी विपक्ष को दे दिया। दरअसल किसी ने पुलिस वैन में आग लगा दी। अखिलेश का आरोप है कि आगजनी पुलिस की साजिश है। हालांकि वैन की आग तो बुझा ली गई, लेकिन जो आग यूपी की सियासत में लगी है वो जल्द बुझने वाली नहीं है। इतना तो तय है कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां लखीमपुर के लपटों को चुनाव तक भड़काने की पूरी कोशिश जारी रखेंगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।